हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी 2022 स्टूडेंट्स के लिए दो नए अर्जेंट ऑफिशियल नोटिस लेकर आई है। गाइस, काउंसलिंग से पहले आपको एक बार ये ज़रूर देखने हैं। दोनों अर्जेंट ऑफिशियल नोटिस जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए। तो आज मैं इस वीडियो में यही आपको बताने वाली हूँ क्या अर्जेंट ऑफिशियल नोटिस आप लोगों के लिए जारी हुआ है और काउंसलिंग से पहले आप लोगों के लिए मैंडेटरी है वो चीज़ें देखनी। आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटेड हर टाइप की इन्फॉर्मेशन, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा से रिलेटेड हो चाहे स्टेट कोटा से रिलेटेड की पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब देखिए गाइस, हम बात करते हैं दो नए अर्जेंट अटेंशन ऑफिशियल नोटिस जारी हुए हैं। आप सभी को पता है नीट यूजी 2022 ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग आज से आपकी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सबसे पहले मैं बताऊँ, स्टार्ट होने से पहले जो आपकी सीट मैट्रिक्स है वो जारी होगी, क्योंकि जो आप फिलअप करेंगे तो आपको ये तो पता होना चाहिए किन किन कॉलेजेस के अंदर जो सीटें हैं वो वैकेंट है या कहाँ आपको फिलअप करना चाहिए, क्या प्रेफरेंस आपको देनी चाहिए, कौन से नए कॉलेजेस आपके ऐड हुए हैं, ठीक है। तो सीट मैट्रिक्स अब तक गाइस अपडेट नहीं की गई है। उसके अलावा दो इन्फॉर्मेशन आपकी अपलोड की गई है ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, तो गाइस ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर दी है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो ये पोर्शन है यहाँ पर क्लिक करना है तो आप देखेंगे दो नई चीज़ें आपके सामने आएगी। एक तो यूजी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है, जो कि आपका पब्लिश हो चुका है, और एक पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स, कौन से इंस्टीट्यूट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँगी आपका यूजी इन्फॉर्मेशन, पहले पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स देख लेते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। MBBS, BDS और BSc नर्सिंग के लिए है, ये आप लोगों के सामने है। अब देखिए किस टाइप का इंस्टीट्यूट है। अगर आपको ये जानना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है पार्टिसिपेट कर रही है इसके अंदर, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन गाइस यहाँ से आपकी अवेलेबल हो जाएगी। तो देखिए, ऑल इंडिया एक्सेप्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ESIC और एम्स और जिपमर और BSc नर्सिंग नेटिव से, ठीक है। अब आपको जैसे ये देखना है कि इसके अंडर में कौन कौन से कॉलेजेज आते हैं। जैसे ऑल में करेंगे तो सारे कॉलेजेज ही आ जाएंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिए, आपको अगर देखना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर कौन कौन से कॉलेजेज आते हैं तो यहाँ आप करेंगे तो देखिए ये सेंट्रल के अंडर आ जाएंगे आपके, ये जितने भी कॉलेजेस है ये सारे सेंट्रल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप सेंट्रल की जगह आप एम्स देखेंगे कि भाई एम्स कौन कौन सा एम्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इस इंस्टीट्यूट पे करेंगे तो एम्स न्यू दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, रायपुर, ऋषिकेश, पटना, नागपुर, मांगलागिरी, भटिंडा, देवगढ़, गोरखपुर, कल्याणी, रायबरेली, बीबी नगर, हैदराबाद, जम्मू, गुवाहाटी, राजकोट, हिमाचल प्रदेश और मदुरई, इतने सारे एम्स जो है वो है आपके, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आपको जो भी इंस्टीट्यूट आपको चेक करना है आप चेक कर सकते हैं। प्रोग्राम में आपका जो है MBBS, BDS और BSc नर्सिंग रहेगा। उसके बाद गाइस जो सेकंड इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट डाउनलोड करके आपका ओपन कर दिया है। तो देखिए, तो ये आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जिसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, काउंसलिंग स्कीम दी गई है। गाइस इस चीज़ का ध्यान रखना है, काउंसलिंग करने से पहले आपको ये पेजेस एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया गया है, इवन इसमें ये भी बताया गया है कि कितनी फ़ी लगेगी, रिफंडेबल होगी नहीं होगी, रिफंडेबल होगी तो कितना टाइम आपको रिफंड होने में लगेगा, ठीक है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन गाइस यहाँ पर दी गई है। आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ में डाउट है तो आप यहाँ से इंडेक्स से डायरेक्टली देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी, एम्स, ESIC, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इन सब के बारे में इंडिविजुअली दिया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म और फी काउंसलिंग के बारे में आपको देखना है। जैसे इन सब के बारे में मान लिया जाए कि आपको नॉलेज है, आप नहीं देखना चाहते हैं तो ठीक है। आपको जो देखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट, एप्लीकेशन फॉर्म और फी काउंसलिंग, कितनी फ़ीस लगेगी, 45-46 नंबर पेज पर दिया है।
रिफंड पॉलिसी क्या रहेगी, 46 से 50 नंबर पूरा अच्छे से समझा रखा है कि रिफंड पॉलिसी क्या रहेगी, ठीक है। कौन कौन से सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, किस फॉर्मेट में होने चाहिए, वो पूरा यहाँ पर दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए क्या रहेगा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए क्या रहेगा, जिपमर के लिए क्या रहेगा, गाइस पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। उसके बाद एक्सप्लेन किया गया है इन हर एक एक पॉइंट्स को। गाइस यहाँ पर आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, देख सकते हैं आप, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, वट इफ़ आई डू नॉट हैव एनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद मी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द अलॉटेड कॉलेज, तो क्या होगा, ठीक है। NRI वगैरह के लिए भी जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो पूरे यहाँ पर क्लियर किए गए हैं। फीस के बारे में यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे फीस को लेकर वो यहाँ पर दिए गए हैं, किस यूनिवर्सिटी की कितनी फ़ी रहेगी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की कितनी रहेगी, रिफंडेबल जो अमाउंट रहेगी वो कितनी रहेगी, ठीक है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। अब देखिए यहाँ पर एनी, जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया है, एनी कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी विल हैव टू पे ₹5,000 नॉन रिफंडेबल फ़ी, ठीक है। ये 5,000 जो रहेगी वो नॉन रिफंडेबल रहेगी, प्लस ₹2,00,000 रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ₹2,00,000 भी आपको सबमिट करवानी है लेकिन वो रिफंडेबल रहेगी, वो आपके रिफंड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर नॉन रिफंडेबल जो रजिस्ट्रेशन फ़ी रहेगी, अनरिजर्व EWS कैंडिडेट के लिए ₹1,000, ठीक है। ये ऊपर जो यूनिवर्सिटीज़ दी है इनके लिए है ये फीस, और 500 जो है SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स के लिए है, रिफंडेबल सिक्योरिटी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। ये गैस पूरी अमाउंट यहाँ पर दी गई है, और गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल नर्सिंग सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है, सेकंड राउंड के काउंसलिंग के बारे में बताया गया है, व्हेन एंड वेयर द सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी रिफंडेबल, कहाँ होगी रिफंडेबल, कब होगी, वो भी यहाँ पर आपका पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये आपको फॉर्म फिल करने से पहले आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, क्योंकि आपके सभी डाउट्स यहीं पर आपके क्लियर होने वाले हैं, कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, ये जो फॉर्मेट आया है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है, इसको सबसे पहले अपने लैपटॉप पे या अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको अच्छे से 2 दिन का टाइम लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 70 पेजेस है इसके अंदर, ठीक है। अच्छे से पढ़ने के बाद ही आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि आज से आपकी काउंसलिंग ओपन हुई है, तो अभी तो टाइम है आपके पास, ठीक है। 2 दिन इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़ने के बाद ही आपको पार्टिसिपेट करना है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, और गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।